आमिर खान खुशी, यहाँ पर ईशा शर्मा, चलिए बहुत बढ़िया सुनील, सभी सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को जमकर शेयर कर दो और सभी सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जमकर आंसर लगाओ, क्योंकि एग्जाम की टाइम अब जो नजदीक आ चुकी है, अब जो है आपके पास समय बहुत ही कम बचा है, जबरदस्त तरीके से जो है पढ़ाई में अब जुड़ जाओ, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करना है तो जबरदस्त तैयारी करना जरूरी है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल एग्जाम के लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम वाले बच्चे के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक बार वीडियो को जमकर लाइक कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो और सभी सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जो है सभी स्टूडेंट जो है शानदार सेशन में आ सके। चलिए आज का शानदार सेशन आपके सामने आ चुका है, गजब का क्वेश्चन, आप सबको मजा आ जाएगा आज का सेशन में। चलिए 1 से 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन का आंसर लगाना है, लेकिन आपको क्या एग्जाम में 50 क्वेश्चन का आंसर लगाना है, लेकिन यहां पर 100 में 100 क्वेश्चन का आंसर लगाना है, ओएमआर शीट पे नहीं, यहां पर लाइव चैट में आंसर लगाना है। लाइव चैट का ऑप्शन आपके सामने खुला हुआ है, इसमें आपको एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर लगाना है और एग्जाम में कमाल कर देना है। क्वेश्चन भी आपके सामने है और फटाफट आंसर लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम में यही टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए एग्जाम की तैयारी करना है तो एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सत्संग में किसकी अभिरुचि थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, सत्संग की बात हो रहा है, तो सत्संग में किसकी अभिरुचि थी, 4 ऑप्शन आपके सामने देगा, फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा, जल्दी से एक बार वीडियो को सभी स्टूडेंट शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट जो है लाइव में जुड़ सके। चलिए गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, चलिए बहुत बढ़िया, सत्संग में जो है किसकी अभिरुचि थी, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर बी उनका 100% सही, क्या हुआ, सूरदास की अभिरुचि थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूरदास की बात हो रहा, सूरदास का जन्म कब हुआ था, 1478 में जन्म हुआ था, मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु 1583 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का था कठोर शब्द का विलोम क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, कठोर शब्द की बात की जा रही है, 4 ऑप्शन आपके सामने देगा, फटाफट आंसर लगाओ। कठोर शब्द का विलोम जो होता है क्या होता है, बहुत ही सुंदर कोमल होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री का था शेष शब्द का विलोम क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन कमाल करने वाला है, फटाफट बताओ, शेष शब्द की बात हो रहा है तो शेष शब्द का जो विलोम है वो क्या होगा, वो हो जाएगा अशेष, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का लाजवाब आंसर है। क्वेश्चन में यहां पर आ चुका है, यहाँ पर 4, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काशी में कुल 15 वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास का मूल नाम क्या है, राम बोला, याद रखना एग्जाम में पूछता है, माता न पूछे तो तुलसी और पिताजी नाम आत्माराम दुबे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शिव का उपासक काला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, कौन सा, अजय है, सुनील, ईशा शर्मा बहुत ही सुंदर, सुनील, सन्नी, चलिए बहुत बढ़िया, खुशी, आमिर खान बहुत बढ़िया, पंकज रॉयल, राम कृष्ण बहुत सुंदर, चलिए सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, एक्सलेंट आंसर आ रहा है। चलिए एमडी तबरेज, चलिए बहुत सुंदर, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन नंबर बी साहिब उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 का था जयशंकर प्रसाद का महाकव क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, जयशंकर प्रसाद की बात हो रहा है, 4 ऑप्शन आपके सामने देगा, फटाफट आंसर लगाओ, जयशंकर प्रसाद का महाकव जो है कौन सा है, तो महाकव है कामयानी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की बात हो रहा है, उनका जन्म कहां हुआ था, वाराणसी में जन्म हुआ था, याद रखेगा कब हुआ था, कब जन्म हुआ था, 1889 में जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 का फटाफट आंसर आते होगा, दूषित शब्द का विलोम क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, दूषित की बात हो रहा है, तो दूषित शब्द का विलोम होता है स्वच्छ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया सन्नी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है, 4 ऑप्शन आपके सामने देगा, फटाफट आंसर लगा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, तो तुमुल कोलाह कला का जो यह पंक्ति है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तुमुल कोलाह कला की बात हो रहा है, इनका लेखक नाम जयशंकर प्रसाद है, इनका मृत्यु कब हुआ था, 15 नवंबर को इनका मृत्यु हुआ था, कब हुआ था, 1937 में इनका मृत्यु हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, घर शब्द का प्रवाची क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
किसकी बात हो रहा है, घर की बात हो रहा है। घर शब्द का पर्यायवाची जो बचे ला रहे ऑप्शन नंबर ए उनका 100% निकेतन, घर को क्या कहते हैं निकेतन भी कहते हैं, राइट इज़ ऑप्शन नंबर ए जगह निकेतन गिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कमाल कर देगा, 2023 में धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है। विराम का शाब्दिक अर्थ की बात हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन में था रहा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सबको बता दें आज टेस्ट भी होने वाला है, टेस्ट भी होने वाला, लास्ट में टेस्ट लाइव टेस्ट होने वाला, लजवाब क्वेश्चन लेकर आए हैं। लेकिन टेस्ट अब अलग जगह होगा क्योंकि पहले ही सभी स्टूडेंट टेस्ट लगा लेते थे, उसको जो छुपा कर रखा गया है उसको जब जब टेस्ट लगाना शुरू करेगा उस समय आपको बताया जाएगा कैसे टेस्ट लगाना है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। उसने कहा था कहानी के कहानीकार की बात हो रहा है, क्वेश्चन में 11 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन मसी चंदा शर्मा गुलेरी जी उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चंदा शर्मा गुलेरी जी का पिताजी का नाम क्या था, पंडित शिवराम, याद रखिएगा पंडित शिवराम था उनका पिताजी का नाम, याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है। चलिए क्वेश्चन में आप 12 पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है पढ़ने वाला शब्द की बात हो रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने देगा, प्रवट आंसर लगाओ क्या हुआ। क्वेश्चन मुबारक राइट आंसर जो बच्चे ला रहे बाला उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 कौरव शब्द में प्रत्यय बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में धमाल मचा देगा, जल्दी बताओ किसकी बात हो रहा है, कौरव की बात हो रहा है। कौरव शब्द का प्रत्यय जो होता है क्या होता है, वह हो जाता है आत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल उद्देश्यों की बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन नंबर बी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लजवाब आंसर है। चलिए सर जी ठीक है, लास्ट में नवदीप सिंह आपको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 15 पवन शब्द का सन्निविच्छेद क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पवन शब्द की बात की जा रही है, 4 ऑप्शन आपके सामने देगा, जल्दी बता पवन शब्द का सन्निविच्छेद क्या होता है, जोर अन होता है पवन, राइट आंसर ऑप्शन वन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए फटाफट आंसर लगाओ, क्वेश्चन नंबर 16 उद्योग शब्द का सन्निविच्छेद क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में यह धमाल मचा देगा, जल्दी बताओ किसकी बात हो रहा है, उद्योग की बात हो रहा है। तो उद्योग शब्द का जो है ना पर्यायवाची क्या, सॉरी सन्निविच्छेद क्या था, बहुत ही बड़े लजवाब जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ला रहे ऑप्शन में उत जोर योग उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैगरीन की बात हो रहा है, गैगरीन जो है किस कहानी का उल्लेख है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो बच्चे 17 जा रहे ऑप्शन नंबर बी के साथ उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, किसका है, रोज कहानी का यह उल्लेख है। रोज कहानी का लेखक नाम सचिदानंद हीरानंद बसल, आज्ञा जी का जन्म की बात हो 7 मार्च को जन्म हुआ था, 7 मार्च 1911 को जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में 18 कहता कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको बता आज टेस्ट होने वाला है, किसकी बात, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है इसका कारक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन वन डी उनका 100% कारण हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन वन डी वाले बच्चे का झिंगा लला आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 आनंदमय शब्द में कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, आनंदमय की बात हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन में ये तत्पुरुष उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन में आप आ चुका है, क्वेश्चन में 20 गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था, किसने जला था, 4 ऑप्शन है, जल्दी बता गांधी जी की बात हो रहा है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, याद रखेगा। इनका जो है ना झोपड़ी को किसने जला दिया था, एमन साहब के कर्मचारियों ने इनके झोपड़ी को जला दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन में किस कहता है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी जिसका सर्वनाम क्या हुआ। क्वेश्चन में 21 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन नंबर ए उनका 100% राइट आंसर है, पुरुषवाचक सर्वनाम है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आज का क्वेश्चन नंबर 5 उपकार शब्द में उपसर्ग क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपकार शब्द की बात की जा रही है तो उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर उप जो लगा रहे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है सिपाही की मां किसके एकांकी से लिया गया, अंधे के छिलके से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर बी उनका 100% है, मोहन राकेश। मोहन राकेश की बात हो रहा है, मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था, मदन मोहन बुगलानी था। इनका जन्म जो हुआ था 8 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24
गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा, लाजवाब क्वेश्चन है, गजब का आंसर होना चाहिए सभी स्टूडेंट का। गंडक नदी का जल की बात हो रहा है, क्वेश्चन में 24 करेक्ट आंसर जो बचे ऑप्शन में भी चंचल रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन में बी वाले बच्चे का लाजवाब आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25, सच्चिदानंद का सन्निधि क्षेत्र क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, किसकी बात हो रहा है, सच्चिदानंद की बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, सत्य जो चित्त जो अनन उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, लीडर वेटर की नजर में किस मूर्ति क्या थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, लीडर वेटर की बात हो रहा है। तो क्वेश्चन में 26 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी देश शिक्षक उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समझ गए। चलिए बहुत सुंदर, जो बच्चे ऑप्शन मिला रहे बी उनका 100, लीडर वेटर की नजर में देश शिक्षक थे, समझ गए, इसे विश्व शिक्षक भी कहते थे, समझ गए, याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी भी राइट आंसर होगा, समझ गए, 26 का सी होना चाहिए ना, 26 का सी होगा, समझ गए, लीडर वेटर के नजर में भी थे विश्व शिक्षक, जे किस मूर्ति क्या थे, वो एक विश्व शिक्षक थे, ये शिक्षा का लेखक थे, याद रखेगा, इनका पूरा नाम क्या था, जीहू कृष्णमूर्ति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होता है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का, बहुत बढ़िया, धीरज, आमिर खान, ईशा शर्मा, बहुत बढ़िया, अखिलेश, पंकज, चले बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट जितने भी लाइव में सभी सभी आंसर लगाते जाओ, बेगुम, बहुत ही बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर ए उनका 100% सही है, क्या हुआ, ऑप्शन में जगह बहुत अनुभवी होना, राइट आंसर ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में यहां पर 28, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगा क्या क्या होगा, किसकी बात हो, अशोक वाजपेयी की बात हो रहा है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, फटाफट आंसर लगा क्या हुआ, हार जीत का लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी है, इनका मूल जो है ना निवास स्थान कहां पर है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा सागर मध्य प्रदेश में, कहां पर, सागर मध्य प्रदेश, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था, 16 जनवरी को जन्म हुआ था, 16 जनवरी 1941 को इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है, माता का नाम पूछे तो निर्मला देवी इनका माता का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 29, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति की बात हो रहा है, गांव का घर का लेखक कौन है, ज्ञानेंद्र पति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1 जनवरी 1950 उनका जन्म हुआ था, और इनका माता का नाम पूछे सरला देवी, सरला देवी इनका माता का नाम था, याद रखिएगा दोनों को माता नाम पूछता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में अपन 30, गाल छूना मुहावरे का क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसकी मदद, गला छुटाना मुहावरे का क्या होगा, गला छुटाना मुहावरे का क्या होगा, क्वेश्चन में 30 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर सी उनका 100% पिंड छुटाना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, माथा ठनकाना मुहावरे का क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, माथा ठनकाना की बात हो रहा है, क्वेश्चन नंबर, फटाफट आंसर लगा, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर डी उनका 100% अनिष्ट की आशंका होना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर मोपासा कहां के थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, मोपासा की बात हो रहा है, चार ऑप्शन देगा, फटाफट बताओ, गाइडी मोपासा कहां के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1850 से लेकर इनका जीवन काल कब से कब था, 1893 के बीच चला था, इनका कृति है रस्सी का टुकड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, दिवाली शब्द संज्ञा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिवाली शब्द की बात हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 33 की राइट आंसर हो जाएगा जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर बी उनका 100% सही है, क्या हुआ, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 34, पेशगी के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, भैया प्रतिपूर्ति का क्वेश्चन है, पेशगी के लेखक जो है कौन है, हेनली लोपेज है, राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हेनली लोपेज का जन्म कब हुआ था, 1937 में हुआ था, कहां पर, कांगो में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्यतः कितने भाग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात, अर्थ के आधार पर बात हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 के राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी लगा रहे 8 उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36, वह घर नहीं जाएगा वह क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 36 का राइट आंसर लगा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 36 का, बहुत बढ़िया, निषेध वाचक हुआ क्या, राइट आंसर ऑप्शन में, एक बार वीडियो को जमकर शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट लाइव में आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37,
चेकअप एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतोन चेकअप की बात हो रहा है तो चार ऑप्शन देगा, फटाफट बता। कलर की मौत का लेखक का नाम क्या है? अंतोन चेकअप। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन में भी उनका 100% सही है। क्या बात, लेव तोल्स्टॉय ने कहा था, राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में अपन अर्थी अनुभव शब्द है, अनुभव जो शब्द है कौन सा शब्द है? चार ऑप्शन है, जल्दी बताओ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग इनमें से कौन है? अनुभव शब्द की बात हो रहा है, क्वेश्चन में 38 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में भी लगा रहे पुल्लिंग उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पर सर लेट हो गए, बहुत ही लेट हो गए हैं। क्वेश्चन है पर 39, क्वेश्चन मनोविनोद शब्द में कौन सा लिंग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनोविनोद की बात हो रहा है तो क्वेश्चन में 39 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में ए लगा रहे हैं उनका 100% सही है, पुल्लिंग हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन में पर 40, एक गिलास पानी लाओ वह क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक गिलास पानी लाओ की बात हो रहा है, क्वेश्चन में 40 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर सी उनका 100% आ गया, वाचक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। कब जन्म हुआ था? 23 सितंबर हुआ था, 23 सितंबर 1908 में उनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु 24 अप्रैल को हुआ था, 24 अप्रैल 1974 को इनका मृत्यु हुआ था। चलिए क्वेश्चन में 41 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में ए लगा रहे निबंध उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन में 42, क्वेश्चन में 42 का था रविंद्र का शब्द विच्छेद क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है? रविंद्र की बात हो रहा है, क्वेश्चन में 42 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में ए लगा रहे हैं उनका 100% रवि जो इंद्र होता है रविंद्र, राइट आंसर ऑप्शन में ए वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया गौतम सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 43, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे हैं जिज्ञासु उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन में पर 44 आ चुका है, जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंधित रचनाकार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की बात हो रहा है, क्वेश्चन में 44 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन में उनका 100% है, छायावाद से संबंधित रचनाकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ चुका है, क्वेश्चन में पर 45, कवितावली के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है? कवितावली की बात हो रहा है, चार ऑप्शन देगा, फटाफट आंसर लगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे तुलसीदास उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब तुलसीदास की बात हो रहा है, उनका जन्म 1543 में हुआ था, मृत्यु की बात की जाए 1627 में इनका मृत्यु हुआ था। चले क्वेश्चन यहाँ पर 46, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर जिस पुरुष की स्त्री मर गई है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे विदुर कहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा विदुर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पर 47, चीरी मार कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है? चीरी मार की बात हो रहा है, तो चीरी मार जो शब्द है कौन सी समास है? तो क्वेश्चन में 47 का राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास है, राइट आंसर ऑप्शन में ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, साहित्य लहरी किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी बात हो रहा है? साहित्य लहरी की बात हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर जो मैं चला रहा ऑप्शन नंबर बी सूरदास उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कृष्ण भक्त कौन थे? सूरदास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, परगीत और समाज किसकी किनकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है? परगीत और समाज की बात हो रहा है, तो चार ऑप्शन दिया गया, फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा। बहुत बढ़िया, जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ला रहे ऑप्शन नंबर बी उनका 100% नंबर सिंह है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नंबर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई को हुआ था, 28 जुलाई 1927 को इनका जन्म हुआ था, याद रखेगा। इनका माता नाम क्या था? बागेश्वरी देवी, पिता का नाम नागर सिंह था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र का लेखक की बात हो रहा है, भगत सिंह है, कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर को इनका जन्म हुआ था, और 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। इनका मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु कब हुआ था? 10 मार्च को हुआ था, 10 मार्च 1931 को इनका मृत्यु हुआ था। कैसे? इनको फांसी दिया गया था यहाँ पर असेंबली में बम फेंकने के कारण। चले क्वेश्चन में 51, उसने कहा था शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी की बात हो रहा है, क्वेश्चन में 51 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन में उनका 100% सही है, चंदा शर्मा गुलेरी जी है। अब बताइए गुलेरी जी की बात हो रहा है, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को हुआ था, कब हुआ था? 7 जुलाई
1883 को इनका जन्म हुआ था। इनका मृत्यु की बात की जाए तो 12 सितंबर को इनका मृत्यु हुआ था, 12 सितंबर 1922 को इनका मृत्यु हुआ था। चलिए क्वेश्चन हमारे आ चुका है, बाबा निम्नांकित में से कौन सा उसने कहा था शीर्षक कहानी के नायक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नायक की बात हो रहा है। क्वेश्चन में 52 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन में बी लहना सिंह उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन में 53 उसने कहा था किस प्रकार की कहानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसने कहा था जो है ना वो किस प्रकार की कहानी है, तो वो है चलित प्रधान कहानी। राइट आंसर ऑप्शन में बी वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लाजवाब आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 54 बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट की बात हो रहा है, बातचीत का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण ने किस पत्रिका का संपादन किया था, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे हिंदी प्रदीप उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून को हुआ था, 23 जून 1844 को उनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात हो रहा है, मृत्यु 20 जुलाई को हुआ था, 20 जुलाई 1914 की इनका मृत्यु हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में यहाँ पर 55 बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, बालकृष्ण भट्ट का रचना जो है बातचीत जो है वह क्या है, वह एक ललित निबंध है, राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 56 ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात, ओ सदा नीरा की बात हो रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने देगा, फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर लगाने, जगदीश चंद्र माथुर उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनका जन्म कब हुआ था, 16 जुलाई, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को जन्म हुआ था। इनका जन्म मृत्यु हुआ था 14 मई को, 14 मई 1978 को इनका मृत्यु हुआ था, याद रखेगा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर यहां पर 57 ओ सदा नीरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया था, ओ सदा नीरा की बात हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर बी उनका 100% सही है, गंडक नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया था। सबको पता है आज जो है टेस्ट होने वाला है, टेस्ट होने वाला, लास्ट में एक टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा, सबका आज जो है आंसर भी बताने वाले, मतलब कितना मार्क्स इसको आया है। क्वेश्चन नंबर 58 अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात, अर्धनारीश्वर की बात हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं उनका 100% 1952 में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 दिनकर को किस कीर्ति पर ज्ञान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2023 में कमाल कर देगा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन में 59 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन में भी उनका 100% उर्वशी पर ज्वाइन ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर जी को मिला था। दिनकर जी को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं, इनका माता का नाम मनू देवी, पिताजी का नाम रवि सिंह था। चलिए क्वेश्चन में 60 रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका पूरा नाम याद रखेगा, सचिदानंद हीरानंद बसल अज्ञा जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अज्ञा जी। अगर पूछे अज्ञा जी का जन्म मृत्यु कब हुआ था, 4 अप्रैल को हुआ था, 4 अप्रैल 1987 को मृत्यु हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में अपन 61 भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र का लेखक नाम क्या है, भगत सिंह है। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में भी लगाए, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन में 62 सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है ना क्वेश्चन में 62 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन में ए उनका 100% बिस्नी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 63 बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिस्नी और मुन्नी की बात हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर ए मानक को चिट्ठी की, उनका 100% राइट आंसर है, क्या मानक की चिट्ठी का जो है प्रतीक्षा कर रहे थे कौन, बिस्नी और मुन्नी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 64 नामा सिंह के गुरु कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नामा सिंह की बात हो रहा है, क्वेश्चन में 64 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन में ए उनका 100% हजारी प्रसाद द्विवेदी जो था नामा सिंह का गुरु थे, राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 65 नामा सिंह ने किस पत्रिका को संपादक रहे हैं, चलिए बताओ नामा सिंह जो थे किस पत्रिका के संपादक थे, राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 65 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में सी लगा रहे हैं आलोचना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन में 66 क्वेश्चन में 66 तथा जूठन किसकी किनकी आत्मकथा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, जूठन की बात हो रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिएगा, फटाफट आंसर लगा क्या होगा, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, राइट आंसर ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनका जन्म ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, 30 जून को हुआ था,
जून 1950 उनका जन्म हुआ था। याद रखेगा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। इनका माता नाम मुकुंदी देवी, पिताजी नाम छोटनलाल था। चलिए क्वेश्चन में सरसा जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में यह क्वेश्चन धमाल मचा देगा। जूठन के हेडमास्टर का जो नाम था क्या नाम था, क्वेश्चन में सरसा का राइट आंसर जो बच्चे आ रहे काली राम, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है काली राम, उनके हेडमास्टर का नाम था। क्वेश्चन नंबर 68 हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरत जी श्रीवास्तव जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है, इनका मूल नाम क्या है, मल्ल्य जय। राइट इस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 त्रिश शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी बात हो रहा है, त्रिश की बात हो रहा है, चार ऑप्शन देगा, चलिए बता। त्रिश शीर्षक कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी को हुआ था, 1 जनवरी 1952 को जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म कहाँ हुआ था, सीतापुर अनापुर मध्य प्रदेश में था। इनका माता का नाम पूछता है गंगा देवी जो है, गंगा देवी इनका माता का नाम है, याद रखेगा एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि तिरिश है, तिरिश क्या है, एक चार ऑप्शन आपके सामने देगा, फटाफट बताओ। तिरिश की बात हो रहा है, तिरिश जो है क्या है, एक जो है ना, तिरिश जो है क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन में क्या होगा, बहुत बढ़िया, जो बच्चे ला रहे एक विषैला और भयानक जंतु, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 तुलसीदास के कैसे कवि थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास जो थे वह कैसे कवि थे, क्वेश्चन में 71 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन नंबर ए, उनका 100% साम्यवादी कवि थे, राइट ऑप्शन में जगह। और इनका जो है ना इनका गुरु का नाम क्या था, इनका तुलसीदास के गुरु जो थे क्या थे, सनातन के विद्वान थे। और इनका जो है ना इनका दीक्षा गुरु जो थे नर हरिदास था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 कब हुंकार अब अवसर पाई यह कहा, यहां अब संबोधन किसके लिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो है ये जो है संबोधन किसके लिए हो रहा है, क्वेश्चन में 72 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन सी, उनका 100% सही है, सीता के लिए हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 73 भक्तमाल किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्तमाल की बात हो रहा है, भक्तमाल जो है ना वन किसकी रचना है, नाभादास की रचना है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा। भक्तमाल के लेखक कौन है, नाभादास, राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। नाभादास की बात हो रहा है, नाभादास का जो है ना जन्म कब हुआ था, 1570 हुआ था, मृत्यु हुआ था 1600 में। इनका एक कृति है छपाई का लेखक है कौन है, नाभादास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में अपन 74 भूषण किस काल के कवि है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी बात हो रहा है, भूषण की बात हो रहा है। क्वेश्चन में 74 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन नंबर डी, उनका 100% है, रीति काल के कवि है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कवित के लेखक कौन है, कवित के लेखक कौन है, भूषण है। भूषण की बात हो रहा है, वीर रस के, भूषण की कविता में वीर रस का बखान होता है। इनका जन्म 1613 में हुआ था और मृत्यु 1715 में हुआ था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 75 सुंगनी साहू परिवार किनसे संबंध था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन नंबर डी, उनका 100% सही है, क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 यूरोप के लोग में बात करने का हुनर है यह किसने कहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगाओ, क्या हुआ क्वेश्चन में 76 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन नंबर डी, उनका 100% सही है, बालकृष्ण ने कहा था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता यह किसने लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन नंबर सी, उनका 100% बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन नंबर 78 का फटाफट आंसर लगा, क्या हुआ चंदा शर्मा गुलेरी जी की लिखी कौन सी कहानी है, तो आपके सामने चार ऑप्शन देगा, फटाफट आंसर लगा, क्या हुआ चंदा शर्मा कहानी की गुलेरी की बात हो रहा है, क्या हुआ चंदा शर्मा गुलेरी जी की कौन सी कहानी नहीं है, नहीं है बात हो रहा है, यहाँ पर त्रिश जो है नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन में 79 का फटाफट आंसर लगाओ, क्या हुआ कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है, बिहार से संबंधित रचनाकार कौन है, सबको पता है बिहार का जन्म कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि जिसे कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन में 80 कहता है करबक में कौन सी बात पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेम के पीर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी जी जाने जाते हैं। तो करबक के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी जी। तो क्वेश्चन में 80 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन नंबर ए, प्रेम की महिमा, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसी जी का जन्म कब हुआ था, 1492 में जन्म हुआ था, मृत्यु की बात की जाए मृत्यु 1548 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन में पा चुका है 81, 9-2-11 होना मुहावरे का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में धमाल मचा देगा। किसकी बात हो रहा है? 9-2-11 की बात हो रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, फटाफट आंसर लगाओ। तो क्वेश्चन में 81 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन में ए, उनका 100% भाग जाना होता है, राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में पा चुका है 82, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी बात हो रहा है? नाक का बाल होने की बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, पीडिया होना, राइट आंसर ऑप्शन में बी वाले बच्चे का बिल्कुल कमाल का आंसर है। चलिए आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83, जगदीश का संधि विच्छेद क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में धमाल मचेगा। चलिए बता, जगदीश की बात हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे हैं, जगत जोड़ी उनका 100% जगदीश होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी वाले बच्चे का कमाल का आंसर है। सभी स्टूडेंट टेस्ट के लिए अब तैयार होगा, कुछ ही क्वेश्चन के बाद टेस्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 84, रात का विलोम क्या होगा, रात का विलोम की बात हो रहा है, चार ऑप्शन देगा, फटाफट आंसर लगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में बी लगा रहे हैं, उनका 100% दिन होता है, रात का विलोम दिन होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 का फटाफट आंसर लगा, क्या लोक का विशेषण क्या बताए, बताए जल्दी, लोक का विशेषण बताए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक का विशेषण क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे हैं लौकिक, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल लाजवाब आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 आ चुका है, फटाफट आंसर लगाओ, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 86 कहता है पुरुष का विलोम क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, पुरुष की बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर ए स्त्री, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या होगा, स्त्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके बाद महोत्सव की बात हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे महा जो उत्सव, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, महोत्सव राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि संतोष का संधि विच्छेद क्या हुआ, किसकी बात हो रहा है, संतोष की बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या हुआ, बहुत बढ़िया, क्या होता है, सम जोर तोष होता है, संतोष, राइट आंसर ऑप्शन में बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 पूछ रहा है कि आप पानी का परिभाषा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, पानी की बात हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नीर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 90, बुराई में कौन सा पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, बुराई की बात हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे आई, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, चक्रपाणि कौन सा समास है, किसकी बात हो रहा है, चक्रपाणि की बात हो रहा है। क्वेश्चन में 91 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बहुत ही बड़े कमाल, एक्सलेंट आंसर, बहुत बने, ऑप्शन में जगह बहुवीडी, लंबोदर की कौन सा समास है, बहुवीडी समास है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर भी बहुवीडी समास है। क्वेश्चन में बिना दिग्गज किस संधि का उदाहरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, दिग्गज की बात हो रहा है। तो क्वेश्चन में 92 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन में बी, उनका 100% सही है, व्यंजन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 93, रात दिन कौन सा समास है, रात दिन द्वंद समास हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन में बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में 93 का राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 94 आ चुका है, क्वेश्चन में 94 कहता है दूज का चांद होना मुहावरे का क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी बात दूज का चांद होना की बात हो रहा है। तो क्वेश्चन में 94 का राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, बहुत दिन पर दिखाई दिखना, राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, ईद का होना चाहिए ना, ईद का चांद होना मुहावरे का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पर 95, क्वेश्चन नंबर 95 कहता है नया का विलोम क्या होगा, नया का विलोम जो होता है पुराना होता है, राइट आंसर ऑप्शन में ये जगह पुराना। फटाफट एक बार वीडियो को जमकर शेयर कर देना, क्योंकि अब टेस्ट लगाना है सबको। गरम का विशेषण बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरम की बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में ए लगा रहे हैं, गरम मीन, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात है, तल्लीन की बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, क्या हुआ, तत्त जोलीन होता है, तल्लीन, राइट आंसर ऑप्शन में ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 98, लाजवाब क्वेश्चन है, चंद्रमा का परिभाषी शब्द क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, चंद्रमा की बात हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, शशि होता है, क्या होता है, चंद्रमा को शशि कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। क्वेश्चन में अपन 99, गले मढ़ना मुहावरे का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात है, गले मदना की बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आरोप लगाना, राइट आंसर ऑप्शन सी वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, कनक का अर्थ क्या होता है, किसकी बात हो रहा है, कनक का अर्थ क्या हुआ, चार ऑप्शन देगा, फटाफट आंसर लगाओ, क्या हुआ, आपको आज टेस्ट लगाना है, दूसरे जगह टेस्ट लगाना है, सर्च करना है ईडी यू सी ए टी आई
आई ओ एन एजुकेशन स्टडी एस टी यू डी वाई स्टडीज एस डॉट कॉम सर्च करना है। हम आपको डायरेक्ट लिंक अभी कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन में 100 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हुआ सोना हो जाएगा। कनक का अर्थ होता है क्या होता है सोना होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार वीडियो को जमकर शेयर कर दो, फटाफट वीडियो को जमकर शेयर कर दो, समझ गए। मजा आने वाला है, टेस्ट जो है लजवाब टेस्ट है, सबको मजा आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है, समझ गए। टेस्ट लगाने के लिए आपको कुछ नहीं, सीधा जाना है गूगल के, गूगल के क्रम ब्राउजर में सर्च करना है एजुकेशन स्टडी डॉट कॉम सर्च करना है। चलिए आपको लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, ऊपर में ही आपको लिंक मिल जाएगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। चलिए इसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आपको जो है डेली जो है मेंटी टेस्ट वाले ऑप्शन में जाना है, आप देख सकते हैं जो नीचे में दिया हुआ है डेली मेंटी टेस्ट का ऑप्शन, इसमें आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर जो है टेस्ट लगाना है। ऊपर में दिया गया टेस्ट का ऑप्शन, यहाँ पर आपको आपको टेस्ट लगाना है सबको। चलिए इसका लिंक हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी को, इसलिए जल्दी से आप लोग एक बार वीडियो को जमकर जो है ना लाइक कर दो, फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दो ताकि सभी स्टूडेंट टेस्ट लगा सके। आपको लिंक डायरेक्ट अभी मिल रहा है, कहां पर लाइव चैट में मिल रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। अरे भाई साहब लाइव चैट का कहां गया ऑप्शन, चलिए चलिए आपको लिंक मिल रहा है लाइव चैट में, आप लोग आराम से लाइव चैट में ही डायरेक्ट इस पे क्लिक करो और फटाफट टेस्ट लगाने के लिए जाओ, फटाफट इस पे क्लिक करो और टेस्ट लगाने के लिए जाओ। लिंक हम प्रोवाइड कर दिए, पिन कर दिया लिंक, जल्दी से इस पे क्लिक करो, फटाफट टेस्ट लगाओ। कैसे टेस्ट लगाना है आपको भी बता चुके हैं, कैसे कैसे लगाना है आपको फिर से आप जो है पूरा डिटेल में बता देते हैं, जिसको अगर समझ नहीं आया है उनके लिए हम पूरा डिटेल में बताने वाले हैं, इसलिए जो है पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सर इंग्लिश का क्लास कब होगा, इंग्लिश का क्लास अब शुरू हो जाएगा दो चार दिन में। चलिए फटाफट जो है एक बार वीडियो को जमकर शेयर भी कर देना। चलिए आपको बता देते हैं कैसे टेस्ट लगाना है, समझ गए। आपको सिंपली जो है गूगल के करो, सबके मोबाइल में गूगल होता है, गूगल जो है सबके मोबाइल में, गूगल गूगल पे जाना है, गूगल के क्रम ब्राउजर में जो है सर्च कर लीजिएगा एजुकेशन स्टडी, स्पेलिंग देख लो, ये स्पेलिंग देख लो EDUCATION STUDYS, उसके बाद डॉट कॉम सर्च करना है, समझ गए। एजुकेशन स्टडी आपको सर्च करना है, ऊपर में ही आपको दिया हुआ होगा एजुकेशन स्टडी का होम पेज, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इसमें जैसे आप लोग क्लिक करिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, आपको जो है इसमें ज्वाइन टेलीग्राम में होना, ज्वाइन टेलीग्राम में भी हो सकता, समझ गए। यहां पर जो है 12th वाला स्टडी मटेरियल में जाएगा, पूरा जो है टोटल जो है मॉडल से जो है सभी इसमें प्रोवाइड कर दिया गया है। और यहां पर जो है आपको डेली मेंटी टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले सेक्शन में आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, आपको इस वाले सेक्शन पूरे साल की तैयारी करने वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेगा नीचे स्क्रॉल करके आइए, यहां पर आपको देख सकते हैं यहां पर एक भी बच्चा टेस्ट नहीं लगाया है। हम पहले ही बता दिए कि वहां लगे कि कोई बच्चा टेस्ट नहीं लगाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करना, अपना नाम लिखना, जो भी आपका नाम है नाम लिखिएगा, फटाफट नाम लिखिएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा, आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। इसी तरह आगे क्वेश्चन जाना, आगे करिए नेक्स्ट करिएगा, प्रीव करिएगा, पीछे क्वेश्चन जाएगा। जब आपको टेस्ट समाप्त करना होगा तो आपको फिनिश वाले बटन पर क्लिक कर टेस्ट समाप्त करना है, ताकि आप सभी का जो रिजल्ट हम देखा पाएंगे। चलिए हम राहुल कुमार 80 का डी होगा सर, चलिए आपका 80 देख लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से आप कमेंट कर रहे हैं तो आपका देखना बहुत ही जरूरी है। क्या है देखना बहुत जरूरी है, 80 नंबर क्वेश्चन कहां गया कहां गया कहां गया। चलिए करबक में कौन सी बात पाई जाती है, करबक में प्रेम का रस रहता है, समझ गए। दानव की महिमा नहीं होगा यहां पर, 80 का जो है ना क्या लगा है डी होगा सर, डी नहीं होगा, 80 का जो है ना ये हो जाएगा, समझ गए। याद रखिएगा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, करबक के रचयिता कौन है, जैसी जी, जैसी की जी की कवि कविता में जो है ना प्रेम रस का बखान होता है, समझ गए। तो 80 का ए हो जाएगा, 100% श्योर आंसर है, समझ गए सर। टाइमर नहीं दिखा रहा है, टाइमर आपको देखना है, टाइमर जो है कल से लगा देंगे, टाइमिंग जो है इतना टाइम है आपको आंसर लगाना है। चलिए कौन बे, चक्र पानी कौन सा समय, बहुविधि समास है, सही है, बुराई आई सही है आई। चलिए कोई दिक्कत, सभी क्वेश्चन सही है, समझ गए। आपको टेस्ट लगाने के लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल के क्रम ब्राउजर में सर्च कर लीजिएगा एजुकेशन स्टडी, देख लो एजुकेशन स्टडीज डॉट कॉम सर्च करना है, स्पेलिंग देख लो एक बार फिर से दिखा देते EDUCATION STUDYS
.com सर्च करना है, आपको सर्च करना है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आए यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में एजुकेशन स्टडी .com लिखा हुआ होम पेज, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, आपको जो डेली मेंटी टेस्ट का ऑप्शन में डायरेक्ट आपको नीचे जाना, डेली मेंटी टेस्ट का ऑप्शन में नीचे में दिया गया है, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेगा ऊपर में आपको मिल जाएगा यहाँ पर जो इसमें मेंटी टेस्ट का ऑप्शन दिया गया, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, इसमें आपको आपको टेस्ट लगाना है, एक बच्चा टेस्ट लगा चुका है, यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करके टेस्ट लगा सकते हैं, समझ गए, सॉरी सर 79। इस पे आकर टेस्ट लगा सकते हैं, इसका लिंक जो है डायरेक्ट जो आपको पिन कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर क्लिक करिए और फटाफट टेस्ट लगाइए जाकर। जितने भी अभी लाइव में स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन पिन कर दिए, उसमें आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है, हम जा रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। इसमें क्लिक करिए और फटाफट टेस्ट लगाइए। कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है कि क्वेश्चन 79 का राइट आंसर गलत हम लगा दिए, शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, समझ गए, हम बिहार से संबंधित है हम मार दिए, समझ गए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समझ गए, उस वक्त भी बोले थे बिहार से संबंधित है। यहाँ पर जो जगजीत चंद माथुर बिहार से, जयप्रकाश नारायण भी बिहार से और रामधारी सिंह दिनकर भी बिहार से, शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए, एक क्वेश्चन था मेरा सर, मेरा चेक करिए, रूबी सिंह, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर राहुल कुमार बहुत ही बहुत धन्यवाद, यहाँ पर जो आप बता दिए, कोई बच्चा लास्ट तक देखेगा तो उनका आंसर सही हो जाएगा। चलिए सभी स्टूडेंट टेस्ट लगाओ फटाफट, चलिए कुछ बच्चा जो है टेस्ट लगा दिए, उसका रिजल्ट भी चेक कर देते हैं, और कल वाला भी रिजल्ट नहीं चेक किए थे, कल वाला कल चेक करेंगे, आज वाला आज चेक कर देते हैं। सभी स्टूडेंट इस पे क्लिक करके आप लोग टेस्ट लगाइए जाकर, समझिए, जो हम जो है रिजल्ट निकालने जा रहे हैं, आप लोग जो है टेस्ट लगाइए, तब तक आप लोग सभी स्टूडेंट जाइए टेस्ट लगाइए, हम रिजल्ट आपका चेक कर देते हैं। चलिए दो ही स्टूडेंट अभी तक टेस्ट लगाए हैं, चलिए दो ही स्टूडेंट टेस्ट लगाए हैं, यहां पर देख सकते हैं कनक रॉय यहाँ पर जो है 26% और यहाँ पर रूबी कुमारी अच्छा मार्क्स लाई है, यहाँ पर 80% मार्क्स लाई है, बहुत बढ़िया रूबी। चलिए बहुत बढ़िया रूबी को जो है 80% मार्क्स आया, बहुत बढ़िया रूबी कमाल कर दिए, 80% मार्क्स लाए हैं, बहुत ही सुंदर, 3 मिनट 26 सेकंड का समय लगा है, बहुत बढ़िया एक्सलेंट। चलिए और कोई बच्चा का रिजल्ट चेक करना है जो है अभी जो है टेस्ट लगाकर फिनिश वाले बटन पर क्लिक किए होंगे उसका टेस्ट, हाँ आ चुका है, कुछ बच्चा का यहाँ पर आ चुका है अभी, खुशी गुड्डू कुमार सूरज, सूरज को 74% स्कोर हुआ, 74% स्कोर हुआ सूरज, अपना स्कोर देख लो सूरज भी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो है गुड्डू सूरत था, गुड्डू कुमार का भी अच्छा स्कोर हुआ है 82%, बहुत बढ़िया गुड्डू कमाल कर दिए, बहुत ही सुंदर एक्सलेंट। चलिए यहाँ पर एक बच्चा और लगा का ही है, यहाँ पर खुशी, खुशी का भी यहाँ पर 3 मिनट 84% आया, बहुत बढ़िया खुशी कमाल कर दिए, एक्सलेंट वर्क, इसी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के साथ जो है स्कोर आपको इंक्रीज करना, इंक्रीज करते हुए अभी नंबर 1 पर चल रहा है कौन, खुशी, चले बहुत बढ़िया। सभी सभी स्टूडेंट टेस्ट लगा लो, यहाँ पर जो है रूपा सिंह भी आ चुकी है टेस्ट लगाकर 74% 78% फास्वन दीपक, बहुत बढ़िया खुशी आपका चेक कर दिया, यहाँ पर आपका चेक हो चुका है खुशी का। चलिए चलिए आप सबका रिजल्ट जो है चेक हो चुका है, आप लोग आराम से जो है टेस्ट लगा वहां जाकर जैसे जैसे बताएं उसी प्रकार जो टेस्ट लगाना है सबको जाकर अभी टेस्ट लगा लेना है, और सभी स्टूडेंट उस लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो है ना शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट टेस्ट लगा सके। चलिए आज का क्लास आप सबको कैसा लगा सर बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और कोई टेस्ट लगा कर आए हैं क्योंकि बच्चा बड़ा है उसका जो चेक कर देते हैं। रिया कुमारी 88%, चलिए एक नंबर में आ चुकी है रिया कुमारी, बहुत बढ़िया रिया कमाल कर दिए आप,
एमडी टवरेज भी 74% स्कोर किए, चलिए बहुत ही बढ़िया। रिया भी नंबर वन पर अब चल रही है, रिया कुमारी, चलिए देख सकते हैं रिया कुमारी का 5 मिनट 33 सेकंड का समय लगा था, 88% स्कोर किए हैं, 88% स्कोर किए हैं, बहुत बढ़िया रिया, कमाल कर दिए आप। चलिए उसके बाद जो है एक बच्चा और है, कौन है यहाँ पर जो है, तबरेज, तबरेज का भी स्कोर देख लो, तबरेज भी 74% मार्क्स लाए हैं यहाँ पर 6 मिनट 44 सेकंड में, बहुत बढ़िया तबरेज, कमाल कर दिए आप भी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कमाल कर दिए। चलिए चलिए एक बार वीडियो को सभी स्टूडेंट लास्ट में शेयर जरूर करना, क्योंकि क्लास में मजा आएगा, शेयर जरूर करेगा। लास्ट बार बता देते हैं कैसे कैसे टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल के क्रोम ब्राउज़र में सर्च कर लीजिएगा एजुकेशन स्टडी, EDUCATION STUDYS लगाना है, उसके बाद .com सर्च करना है। जैसे ही आप लोग सर्च करिएगा ऊपर में एजुकेशन स्टडी का लोगो लगेगा, इंग्लिश में एजुकेशन स्टडी लिखा हुआ रहेगा। आपको डेली मेंटी टेस्ट का ऑप्शन नीचे में दिख रहा होगा, नीचे जाना है, वहां पर आपको जाना है डायरेक्ट, डेली मेंटी टेस्ट का ऑप्शन दो बार दिखेगा, किसी में भी आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, एक बार जो देख लेना नोटिफिकेशन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लेना, उसके बाद इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेगा नीचे स्क्रॉल करके आएगा, यहाँ पर जो है 12 स्टूडेंट टेस्ट लगा चुके हैं, स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करके अपना टेस्ट स्टार्ट करके टेस्ट लगा सकते हैं। तबरेज आपका जो है चेक कर दिए, तबरेज समझ गए, स्टार वाले बटन पर क्लिक करके अपना अपना टेस्ट लगा सकते हैं। इसका लिंक हम डायरेक्ट आपको दे रहे हैं, आप लोग वहां से भी टेस्ट लगा सकते हैं, समझ गए, यहां भी आप लोग डायरेक्ट जो है टेस्ट लगा सकते हैं, आराम से आइए और टेस्ट लगाइए। इस पे क्लिक करो और फटाफट टेस्ट लगाओ, समझ गए। चलिए एक बच्चा आया तबरेज, तबरेज आपका जो है आ चुका है 74% स्कोर, बहुत बढ़िया। यहां पर प्रदीप, प्रदीप को 46% आया है, मौसम, मौसम को भी 80% स्कोर हुआ, चलिए बहुत बढ़िया मौसम कुमारी, चलिए बहुत सुंदर, सभी स्टूडेंट जो है टेस्ट लगाओ, इसी तरह जाकर टेस्ट लगाओ, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया लजबाब, सभी का टेस्ट आया है, नंबर भी अच्छा आया है, सभी स्टूडेंट जो है टेस्ट वाले नंबर को शेयर कर दीजिएगा। आज जो है रूबी कुमारी, रूबी कुमारी क्या बोल रही है, सर मेरा बताइए ना, अरे रूबी आपका तो दिखा चुके, रूबी कहाँ है, रूबी कुमारी 80% स्कोर हुआ था, 80% रूबी का स्कोर हुआ था, 3 मिनट 26 सेकंड में किए थे, चलिए बहुत बढ़िया रूबी, सभी का चेक कर चुके हैं। सबसे अधिक नंबर जो है अभी तक लाई है ऑन दिया कुमारी, 88% स्कोर किया है, आज जो है 100% कोई स्कोर नहीं किया, क्या बात है, 62% झाजी लाए हैं, झा जो है आरती झा, ये 62% स्कोर किया है, इनको भी रिजल्ट देख सकते हैं। चलिए आप लोग जो है फटाफट जाकर टेस्ट लगाइए, जो जो अभी तक टेस्ट नहीं लगाए, समझिए। अब जो आज का क्लास कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएगा, इस लिंक को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो सभी स्टूडेंट टेस्ट लगा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आरती झा, अरे आपका चेक कर चुके हैं, अरे आरती झा आपका यहां पर देख सकते हैं, आरती झा आपका भी 62% स्कोर हुआ है, सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिएगा, समझ गए, एक बार फिर से कर देते ताकि किसी को कंफ्यूज नहीं रहे। हाँ यहाँ पर गुड्डू कुमार भी आ चुके हैं, गुड्डू कुमार को 94% एक नंबर आप गुड्डू कुमार रहे हैं, वो दोहरा टेस्ट लगाए हैं इसलिए आया है 94%। चलिए 36% शुभम, यहाँ पर जो गौतम सिंह को 84% स्कोर हुआ, चलिए बहुत बढ़िया, शुभम को यहाँ पर जो है आया है 36%। शुभम आपका तैयारी बहुत ही हुई क्या, आप लोग जो है ना आराम से और ज्यादा बढ़िया से तैयारी करिए, समझ गए, ताकि आप सबको अच्छा से। संध्या पांडे यहाँ पर जो है इनका भी 80% स्कोर हुआ था। चलिए आज का क्लास सभी को कैसा लगा सभी बच्चों कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, समझिए, जल्दी जल्दी एक बार वीडियो को सभी स्टूडेंट शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर क्लास में मजा आएगा तो एक बार शेयर जरूर करिएगा, समझिए। अब जो कुछ तो लिखिए, हाँ प्रदीप आप बहुत कुछ लिखिए, चलिए इस पे आप लिंक पे क्लिक करके सभी स्टूडेंट टेस्ट लगाए, इस लिंक को कॉपी करके एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो सभी स्टूडेंट जाकर ना टेस्ट लगाएंगे, आराम से अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे, अपना तैयारी करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।